कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो
वैष्णवे नमो नमः। बृंदाई तुलसी देवई प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रतिदेवी सत्यवतई नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद क्रियाद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोली तमु देखा हरे राम राम प्रथम तुम्हें देख तमु देखा बोला हरे कृष्ण हस कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोला हरे कृष्ण 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 हरे देवता सुना हरे राम बुलाओ ठीक है राम राम हरे हरे। बोले सच्चिदानंद गौर हरि की जय। ये लाइट द्वारा किसी लाभ है कि नहीं है? अरे ये या भीतर देव सेट ऊपर कर दो सेट ठीक है जी ठीक फर्क बड़ी जी। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं जथाजु के प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गत गल्ले हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु भक्तों को घर घर में जा करके कभी किसको चतुर्भुज रूप में दर्शन देते थे, कभी किसको षड्भुज रूप में दर्शन देते थे, कभी किसको मत्स्य रूप में दर्शन देते थे, कभी किसको कुर्मा बराह बामा नरसिंह है। इसलिए तो जैसे जैसे जो भक्त ही थे उसी के अनुरूप महाप्रभु ने सबको महाप्रभु दर्शन दिया है। सबको ऊपर में महाप्रभु ने सबको ऊपर में कृपा की सबको ऊपर में कृपा की। इसलिए एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु बोले बोले देखो एक काम करो। प्रभु बोले भाई साहब सुना मंत्र सार रात्रि के नाम मिथ्या जाए आमा सब आकार। महाप्रभु बोले देखो तुम लोग सुनो। बोले क्या है मंत्र सार? कहते मंत्र का सार सुनो। बोले मंत्र का क्या सार है भैया? ये जीवन तो दुर्लभ जीवन भगवान दिया, 84 लाख जन्म के बाद में ये मानव शरीर मिला है, हैं? और बोले तृणम जतेत नपतेत अनुवृतु जावत निस्रसाय विषय खड़ु सर्वत्र स्यात्। इसलिए एक तो ये मानव शरीर दुर्लभ है लेकिन होने पर भी ये जीवन कैसे बोले कमल दल जल जीवन टल मल भजौ हरिपद निधि। जैसे कमल पत्ते के ऊपर में पानी रखने पर किसी समय वो पानी गिर सकती है, उसी तरह जीवन तो दुर्लभ है लेकिन दुर्लभ होने पर भी ये जीवन अनित्य। किसी समय में भी ये शरीर छूट सकती है। इसलिए क्या करो बोले तृणम। तृणम मतलब क्या है? जितना जल्दी से जल्दी हो, हैं? जितने देर नहीं करनी चाहिए। इसलिए कल कर सो आज करो और आज कर सो अब। इसलिए पहले पल में प्रलय होगी बहुरी रही तब, लेकिन हम लोग उसको उल्टा कर दिया है। बोले आज कर सो कल करो, कल कर सो परसो। भैया जल्दी जल्दी क्या करते हो? पढ़ा रहा है बरसो है। इतना जल्दी जल्दी क्यों कर रहे हो? इतना बरसों पड़ा हुआ है, भजन कभी कर ही लेंगे। इतने जल्दीबाजी करने का क्या जरूरत है? हम लोगों ने इसको उल्टा हम लोगों ने कर दिया है, हैं? इसलिए महाप्रभु ने कहा भैया ये रात्रि, फिर ये रात्रि हमारी क्यों बेकार जाएगा? इसलिए काम करो, दिन में तो भजन करते हैं, रात में भी चलो सबके सब, रात में भी हम सबके सब हरि कीर्तन करेंगे। इसलिए आज है थे हम सबके सब कीर्तन करेंगे। बोले क्यों? बोले हरि कीर्तन सुन करके सभी का भी उद्धार होनी चाहिए। कभी श्री वास पंडित जी घर में करेंगे, कभी चंद्रशेखर का भवन में, हैं? और इतने भक्त लोगों को विद्यानिधि मुरारी
हिरण्य हरिदास गंगादास बनवाली विजय कदी जितने सारे भक्त लोग हैं सबको लेकर के हम कीर्तन करेंगे। और जब महाप्रभु कीर्तन करते थे अब देखना जो मृदंग का वाद्य है ना, पता नहीं ये मृदंग में क्या चीज है, ये मृदंग ही बलदेव प्रभु है ना, इसका आवाज एक अलग आवाज है। जब हम विदेश जाते हैं जैसे 10 मंजिली मृदंग 10 मंजिली हो, हमारे जैसे सीमेंट देकर बना हुआ उनको ऐसे नहीं, उनको ये दीवार तो सीमेंट से बनी लेकिन ऊपर करके लकड़ी से है, मजबूत लकड़ी से बनती है। लेकिन अगर 1 मंजिल में ये अगर मृदंग बजेगा ये 10 मंजिल तक इसकी आवाज आएगी, तो पता लगेगा पता नहीं क्या हो रहा है ऐसे विदेश में। इसलिए कभी कभी कंप्लेन करते थे हरे कृष्ण वाले, पता नहीं ये ऐसे ऐसे बजाते क्या चीज बजाते, देखो ऊपर में क्या आवाज हो रहा है, जैसे बम ब्लास्ट हो रहा है, क्योंकि ये बलदेव प्रभु है ना, ये बलदेव प्रभु है। इसलिए ब्रह्मांड भेदिया ध्वनि पुरिल आकाश चौथी ग्रह अमंगल सब जाय नाश। इसलिए जब कीर्तन 1 मृतक बजती है कितना आवाज, और 2-3 मृतक गांव में देखो वहां पर होगा तो सबको पता चलता है। इसलिए इतने में पाखंडी लोगों ने क्या किया, बोले देखो ये जो साधु लोग है ना ये लोग पंच कन्या को बुलाते हैं, एक मधुमती है, एक मधुमती सिद्धि होती है, ये मधुमती सिद्धि में वो ऐसे की सिद्धि है जिस सिद्धि कर तो आकाश से जो अप्सरियां है ना वो भी आ जाती है, ऐसे की सिद्धि है जिसका नाम कहते हैं ये मधुमती, इसका नाम सिद्धि है। कहते ये लोग ये कीर्तन का बहाना कर करके ये ऊपर से स्वर्ग से पंच कन्या को बुलाते हैं और उनके साथ भोग करते हैं और कहते हैं हम रात भर कीर्तन करते, ये पाखंडियों का काम है, हैं ये पाखंडी लोग ऐसे बोलना शुरू कर दिया। और श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते करते जब उन्होंने अछाड़ खा करके, अछाड़ नहीं पछाड़ खा करके, जब पछाड़ खा करके गिरते थे ऐसे लगता था जैसे हड्डी एकदम चुरचुर हो जाएगा, हड्डी चुरचुर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर महाप्रभु जो कहते राधा भाव दुति सुबलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम, उन्होंने जो कलिजुग में राधा रानी की भाव अंग कहते क्यों लिया, कारण किया, कारण एक कारण कहते हैं अभी राधा रानी सोच रही है अभी श्याम सुंदर मेरे भाव और मेरे अंग कांति लेकर के इस मरते जगत में जा रहे हैं, तो जाएंगे मैं जैसे कृष्ण प्रेम में पछाड़ खा कर गिरती हूँ, ये जब पछाड़ खा कर गिरेंगे तो उनको कितना कष्ट नहीं होगा। हाँ इसलिए भागवत में बताया ना है, इसलिए जत्ते सुजात चरण बुरुहम स्तनेशो, उसके बाद में हाँ वितासनै दहि दधि करके से सुते ना टबी मट सितत बेथते न किंसी है, इसमें कहते हैं ये गोपियां कह रही हैं, कहते हे श्याम सुंदर तुम तो हर समय हमें दुख ही दुख देना चाहते हो, हैं दुख ही दुख देना चाहते हो, जिस चरण को हम अपना बख्य स्थल पर धारण करने के लिए हमको कष्ट लगता है, हमारा बख्य स्थल कितने कठोर और तुम्हारी चरण कितने कोमल है, हैं इसलिए उसी चरण को तुम क्या कर रहे हो, तुम जंगल जंगल में जा जाकर भ्रमण करते हो और तुम्हारी पैर में नुकिल नुकले पत्थर कंकड़ और कांटा लगता होगा, कितने कष्ट नहीं होता तुम्हें श्याम सुंदर है, इसलिए गोपियां ये कह रही। इसलिए कहते ऐसे चरण श्री चैतन्य महाप्रभु का ऐसे चरण है, अभी जब कृष्ण का ऐसे चरण है, जब कृष्ण पछाड़ खा कर गिरेंगे है, कहते ना निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, भगवान की जो शरीर है जो शरीर है बड़ा कोमल है, कहते ये शरीर से कृष्ण जब पछाड़ खा कर गिरेंगे श्याम सुंदर कितने कष्ट नहीं होगा। इसलिए राधा रानी ने क्या की, उनको पूरा उन्होंने आलिंगन कर लिया, आलिंगन करके बोले अंत कृष्ण बहिर्गौरव, वो अंदर में तो कृष्ण है लेकिन ऊपर में गौर हरी चैतन्य महाप्रभु गौरव बन राधा रानी। बोले क्यों, बोले श्याम सुंदर जब पछाड़ खाएंगे ना मेरे प्रेम में है, जब पछाड़ खाएंगे अगर मैं ऊपर ऊपर रहूंगी तो ये कष्ट किसको लगेगा, कष्ट मेरे को लगेगा, ये कष्ट मेरे को लगेगा, श्याम सुंदर को ये कष्ट नहीं होगा। इसलिए राधा रानी श्याम सुंदर के ऐसे पकड़ करके रखी है, हैं इसलिए इसलिए जिस समय महाप्रभु ऐसे पछाड़ खा कर गिरते थे इसको देख करके ना कभी जो मैया है कभी जो मैया देख करके डर जाती थी, मैया को बड़ा कष्ट होता था, बेटा महाप्रभु को कितने प्यार करती है सची मैया, अगर बेटा इतना कष्ट होगा तो
मैया को कितने कष्ट होगा, मैया दुखी दुखी हो जाती थी, हाँ दुखी दुखी हो जाती थी और प्रार्थना करती थी, जब मेरे बेटा जब ऐसे पछाड़ खा के गिरती हैं, जैसे वहां पर जैसे मैं नहीं रहूं, क्योंकि निमाई का कष्ट देखकर मेरे को बड़ा कष्ट होता है। इसलिए जिस समय महाप्रभु पछाड़ खाकर पड़ते थे, उसी समय भगवान ने क्या किया, जोग माया द्वारा उन्होंने मैया का ज्ञान को उन्होंने आवृत कर देती थी, ढक देती थी, जिसे मैया को पता नहीं चला मेरे गिरा है और मेरे को इतना कष्ट होता है। महाप्रभु ने इसे किया। इसलिए अभी महाप्रभु ने कहते श्री श्रीवास अंगन में है उन्होंने उन्होंने कीर्तन आरंभ किया है। इसलिए कल हम लोग सुन रहे थे ना, श्री हरि बस हरे हरि कीर्तन विधान नृत्य आरंभ ला प्रभु जगतेर प्राण पुन्न पुन्न बंत श्रीवास कीर्तन ध्वनि गोपाल गोविंद। इसलिए ऐसे महाप्रभु ने अपना श्रीवास पंडित मुकुंद इस सब को लेकर के महाप्रभु ने कीर्तन उन्होंने शुरू किया। यहाँ पर कह रहे हैं कहते जो कीर्तन है, कहते कलिजुग में कीर्तन ही कलिजुग में रास है, कलिजुग में कीर्तन रास। इसलिए कहते जिस समय कृष्ण बंसी बट को नीचे उन्होंने रास लीला की और उन्होंने बंसी ध्वनि की, बंसी ध्वनि सुन करके कौन से शंकर जी गोपी बन करके आए। जब शंकर जी गोपी बन करके आए, इतने में उनको ईशान कोने में बैठा दिया जोग माया ने, बोले यहीं पर बैठ करके रास दर्शन करना, कृष्ण तो सब जानते हैं। बोले आज रास में आनंद नहीं आ रहा है, लगता है कोई अनधिकारी व्यक्ति ने प्रवेश किया। गोपियों ने ढूंढना शुरू किया, भैया कौन रास में कौन अनधिकार आ गया। ढूंढते ढूंढते देखा ईशान कोण में एक कुंजक को अंदर में एक नई कोई सखी बैठी हुई। तब वहां पर तो ब्रजमंडल गांव है, उनका पिताजी का नाम, पति का नाम, ससुर का नाम है वहां पर है। इतने में उनको देखा, इतने नई सखी, इसको तो कभी देखा ही नहीं। पूछा भैया कौन सा गांव में तुम्हारी जन्म हुई है, क्यों ब्रज में अलग अलग गांव है ना सब, लेकिन वो तो गोपी नहीं, वो तो गोप है, वो तो शंकर जी। अभी चुप। बोले तेरे ससुर का नाम क्या है और तुम्हारी सास का नाम क्या है और तुम्हारी पति का नाम क्या है। शंकर चुप, क्योंकि वो तो गोपी, वो तो शंकर जी गोपी बने, कोई बोल नहीं पाई। समझ गए यही दुष्ट बदमाशी कहां से आ गई, अभी चोटी पकड़ कर उनको निकाले और गुलचा मारना शुरू कर दिया। इतने में शंकर जी उन्होंने जोग माया को पुकारे, बोले जोग माया मेरे को बचाओ, गोपियां मेरे को मार रही है। इतने में जोग माया आ गई, जोग माया ने कहा भैया उसको मारा मत, मेरा अनुगत लिया। इतने में कृष्ण आ गए, बोले बोले तुम क्या बात है, क्या चक्कर, तुम कैसे आ गए। बोले प्रभु तुम्हारी बंसी ध्वनि सुन करके मेरे मन में भी इच्छा हुई, अब कह रास को दर्शन करे। कृष्ण ने कहा देखो शंकर जी, आप तो ऊपर से गोपी रूप लिया है लेकिन हृदय में आपकी अभी गोपी भाव नहीं। देखो ये गोपियों की भाव कितना दुर्लभ है। शंकर जो देव देव महादेव सत्यम शिवम जो सुंदरम, ये गोपियों की भाव कितने उन्नत है। कहते ऊपर में तो तुमने ले लिया लेकिन अंदर में तुम्हारी भाव नहीं। इसलिए शंकर जी को बोले आज से तुम यहीं पर गोपी स्वर शिव रूप में तुम्हारी पूजा होएगा, जो आएगा धाम में जब तक तुम्हारी आदेश नहीं ले तब तक ये वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता है। बोले देखो इसी अवतार में तुमने तो ये रास में प्रवेश नहीं कर पाए, लेकिन जब मैं सचिनंदन गौर हरि बन करके श्री नवद्वीप धाम में मैं जन्म लूंगा, उसी समय में तुम्हारी संकीर्तन रूपी रास में तुम्हारी प्रवेश होगा और वहीं पर हम दोनों गलवेन्या दे करके श्रीवास अंगन में, हाँ श्रीवास अंगन को रास मंडल मानी जाती है, वहीं पर हम दोनों एक साथ में संकीर्तन रास में हम लोग नृत्य करेंगे। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कहते जैसे जैसे कृष्ण जब रास रचाए, कहते ब्रह्मा का एक दिन, ब्रह्मा का 1000 चतुर्युग उन्होंने इतना दिन तक रास की, लेकिन उनको ऐसे लगा, हम सुना था ना एक चारी माधुर्य में कृष्ण का एक माधुर्य है, कौन सा माधुर्य है, कौन सा माधुर्य, कहते प्रेम माधुर्य है। कहते प्रेम माधुर्य उन्होंने दो श्लोक उदाहरण दिया था, दो जगह पर उदाहरण दिया। कृष्ण जब
उच्चारण करते हुए आते ही जब गोपियां कृष्ण को दर्शन करती हैं, उस समय उनका पलक झपते ही कहते त्रुटि युगायते त्वां मपश्यताम। कतकल पलक झपते ही पता नहीं चलता है, कहते हे श्याम सुंदर करोड़ जैसे जोग बीत गया तेरे को दर्शन किए बगैर। बोले विधाता तो सृष्टि करना आता ही नहीं, इतने सुंदर श्याम सुंदर हजार आंखों तो दिया नहीं, दिया दो ही आंख, फिर उसमें पलक दे दिया, फिर पलक बीच बीच में ये फिर पलक झप रही है, हैं? फिर रासलीला का उदाहरण दिया कैसे एक ब्रह्मा का एक रात है, एक रात बीत गया लेकिन गोपियों को क्या लगा अभी आए और अभी समाप्त हो गया। मतलब है आनंद में समय पता नहीं चलता है लेकिन दुख में, कहते आनंद में तो पता नहीं चलता है लेकिन दुख में क्या होता है, कहते दुख में समय बीतना एक एक पल बीतना कठिन है। जिसको कभी दुख होना कष्ट हो कोई बीमारी हो बा कोई कष्ट होना बता ना, एक एक समय बीतना जैसे लगता है पावारी है, एक एक समय बीतना कष्ट, लेकिन आनंद में समय कैसे बीत जाती है पता ही नहीं चलता। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जैसे रास क्रीड़ा में बोले जन महारास क्रीड़ा कत जुग गेल तिलार्थ कहन सम गोपी का मानिल। जैसे रास क्रीड़ा में कितना जुग बीत गया लेकिन गोपियों को कैसे लगा जैसे तिलार्थ मतलब इतना तिल से भी आधा समय लगा, बोले इतना जल्दी रास खत्म हो गया है, इतना जल्दी रास खत्म हो गया। इसलिए लेकिन जब रास लीला करते थे, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं जो पाषंडी लोग हैं ना बड़े गाली देते थे हैं, ये सब साधु संतों को पाषंड देखो, अभी भी देखो कीर्तन होना है हर किसी गांव में, अगर कहीं मंदिर जहाँ जा पर गांव में कहीं मंदिर होना कहीं आसपास में जा, ये हमारे अच्छा है यहाँ पर थोड़ी सी ये समुद्र किनारा है बढ़िया है, यहाँ पर पीछे कुछ नहीं और इधर कोई नहीं इधर भी कोई नहीं और सामने तो कोई है नहीं, समुद्र समुद्र है हाँ सही है, यहाँ पर जो हम थोड़ा नाच कूद कर लेते हैं ना बहुत अच्छा है हैं। इसलिए हमारे जो दूसरे दूसरे कहीं गौड़िया मठ है ना रगड़ बड़ी है, तथा कीर्तन करके तो आस वाले में शिकायत कर देते, बोले हे बाबा कोई काम धाम नहीं है, इतना जोर से चिल्ला रहे हो हम सो नहीं पाते हैं, हैं? ले जाते हैं ना हाँ। इसलिए जो पाखंडी लोग हैं, पाखंडी लोग विभिन्न तरह से उनको गाली गलौज करते थे, लेकिन भक्तरा क्या करते थे उसमें कर्णपात नहीं करते। इसका बाद में एक प्रभुपाद बहुत बढ़िया टीका देगा हैं, कहते श्रीधर हैं जैसे श्रीधर महापुरुष का जो श्रीधर था वो जब कीर्तन करता था लोग उसको गाली देते थे, बोले दिन भर तो खाना मिलता है नहीं है, दिन भर रात जब पेट में भूख लगता है और कैसे क्या करेगा, और ये चिल्ला करके है हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम जोर से बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 राम। वहां पर प्रभुपाद कहते हैं जिस समय ये श्रीधर कीर्तन करते थे लेकिन पाखंडी लोग बड़े उत्पात करते थे, बोलते थे उल्टा पुल्टा लेकिन कर्णपात नहीं देते थे, तो प्रभुपाद वहां पर कह रहे हैं कि उसी तरह ये कलिजुग है, ये जो कलिजुग है, इसलिए कलिजुग होने का नाते उत्पात रहेगा लेकिन जो भक्त लोग है ना कई बात में कर्णपात नहीं करेंगे। इसलिए हम भक्ति कर रहे हैं, भजन कीर्तन करें, कोई हमें उल्टा पुल्टा करते हैं इसलिए भजन बंद कर दो कीर्तन बंद कर दो, बोले नहीं कीर्तन बंद नहीं करेंगे, भगवान के भजन नहीं करेंगे, हम कंटिन्यू कीर्तन करते रहेंगे। प्रभुपाद कह रहे हैं कीर्तन छोड़ना नहीं, कभी भजन नहीं छोड़ना, भजन कीर्तन नहीं छोड़ना, हम अपना काम करते रहेंगे। इसलिए कहते एक दिन श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ने जितना वहां पर सालग्राम था ना श्रीवास पटते घर में, उन्हें साले सालग्राम को उन्होंने लेकर के एक जो खटिया के ऊपर में उन्होंने बैठी गई और उन्हें सारे सालग्राम को उन्होंने अपना गोद में रख दिया। जब रख करके महाप्रभु बैठने लगे, महाप्रभु कौन है, इनका एक नाम है विश्वम्भर। विश्वम्भर मतलब क्या है, एक अर्थ तो जो विश्व को जो भरण पोषण करने वाले, साधारण रूप में
खिलाने पिलाने वाले बा विश्व भर मतलब भक्ति को द्वारा जो विश्व ब्रह्मांड को भरण पोषण कर विश्व भर का जो तीसरा अर्थ है अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड जिनके अंदर विद्यमान महाप्रभु जो खटिया के ऊपर बैठ गए और सारे सालग्राम को लेकर के इतने में जो खटिया था ना जो खटिया था इतने में तो चुरचुर चुरचुर होने लग गया है वो टूटना शुरू हुआ। जब टूटना शुरू हुआ क्योंकि महाप्रभु विश्व ब्रह्मांड जिनके अंदर में इतने में श्री नित्यानंद प्रभु वहीं पर थे। इतने में नित्यानंद प्रभु जाकर खटिया को जल्दी जल्दी उन्होंने स्पर्श कर लिया क्योंकि महाप्रभु को कौन धारण कर सकते हैं केवल बलदेव प्रभु धारण कर सकते क्यों बलदेव प्रभु संधिनी शक्ति के अधिष्ठात्री देवता श्री बलदेव प्रभु है इसलिए उनको केवल बलदेव प्रभु धारण कर सकते। इसलिए जब स्पर्श किया फिर उन्होंने वो खटिया पर टूटा नहीं। इतने में श्रीमन महाप्रभु अपना तत्व को व्याख्या कर रहे थे क्या बोल रहे थे बोले कलियुगे मोई कृष्ण मोई नारायण मोई सही भगवान देवकी नंदन। कहते कलियुग में मैं कृष्ण हूँ मैं हूँ नारायण हूँ मैं वही भगवान विश्व देवकी नंदन हूँ इसलिए अनंत कोटि जो विश्व ब्रह्मांड का मैं नाथ हूँ। इसलिए विश्व ब्रह्मांड अकेला ईश्वर कृष्ण सब तार दास विश्व ब्रह्मांड में जितने जीव है वो सब के सब मेरे सेवक है। इसलिए तुम्हारे मैं इस जगत में क्यों अवतार ग्रहण किया हूँ बोले तुम लोगों के लिए मैंने अवतार ग्रहण किया हूँ। इसलिए बोले अद्वैत श्रीवास ले आओ जाओ ले आओ सब खाना ले आओ तुम लोगों पास में क्या भोजन ले आओ। सब भक्त लोगों ने क्या किया दधि दूध मक्खन केले चिड़वा मिश्री नारिकेल उन्होंने सब के सब लाकर के भक्त लोग दे रहे थे। यहाँ पर कह रहे हैं महाप्रभु कितना व्यक्ति का भोजन किया बोले 200 व्यक्ति का। महाप्रभु ने 200 व्यक्ति का भोजन किया। इसलिए जब जगन्नाथपुरी में हैं जब श्री सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु के लिए तरह तरह का अन्न व्यंजन बनाए हैं बनाए बना करके जब महाप्रभु के सामने रखा केले के पत्ते के ऊपर में रखा महाप्रभु बोले इतना भोजन बोले प्रभु आप जगन्नाथ मंदिर में एक साथ में कितना भोजन करते हो हैं जगन्नाथ मंदिर में आप कितना भोजन करते हो छापन भोग और छत्रिज व्यंजन देखे ना पुरी में पृथ्वी में साथ किसी मंदिर में एक साथ में इतने भोजन खाना आप कभी किसी की कहीं भी आप देखना नहीं किसी मंदिर में एक साथ में ठाकुर को इतना भोग लगता है जितना जगन्नाथ पुरी में जितना भोग लगता है देखे मंदिर में ना सामने भोग का घर है ना कितने दाल सब्जी हैं और महुरा बेसर साग चटनी खीर और मालपुआ और क्या क्या साकेरा और क्या क्या भोग लगता है जगन्नाथ जी को हैं। इसलिए कितना क्या क्या जगन्नाथ जी को क्या क्या एक साथ में कितना हाँ क्विंटल क्विंटल हैं एक साथ में जगन्नाथ जी भोजन करते हैं। इसलिए महाप्रभु ने यहाँ पर कह रहे हैं 200 लोगों का जो प्रसाद है महाप्रभु एक साथ में भजन किया। इसलिए भक्त लोग ने देख करके आश्चर्य हो गए यहाँ पर कह रहे हैं प्रभु आप कृपा करके ये जो खुद्र भेंट है ये खुद्र भेंट आपको दिया। महाप्रभु ने 200 व्यक्ति का भजन किया भक्त लोगों को पता है ना विश्व ब्रह्मांड जिसकी उदर के अंदर में इतना खाना कुछ भी नहीं हो इसलिए बोले प्रभु ये खुद्र वस्तु आपको दिया। लेकिन महाप्रभु एक अच्छी बात कहते हैं बोले नहीं खुद्र नहीं बोले क्या है कहते खुद्र भक्तों का जो उपहार है हैं भक्त का उपहार खुद्र नहीं भक्त आप जो कुछ देते हैं पत्रम पुष्पम फलम पयम जो मैं भक्त्या प्रजति तद अहम भक्त उपहृत स्नामी प्रजत आत्मा भक्त लोग फल फूल जो कुछ पानी मेरे को भोग भक्ति पूर्वक देते हैं मैं उसको ग्रहण करता हूँ श्रेष्ठ मान करके हैं भक्तर द्रव्य प्रभु काड़ी काड़ी खाए अभक्तर द्रव्य प्रभु उलट ना चाहे। भक्त लोग जो वस्तु देते हैं महाप्रभु भगवान उसको जोर जबरदस्ती नहीं देने पर भी जोर जबरदस्ती खाते हैं लेकिन अभक्त उन्होंने दुर्योधन का मेवा त्यागे साग विदुर घर खाए सबसे ऊंची प्रेम सगाए भगवान केवल प्रेम की भगवान भूखे हैं कहते नहीं ये भक्त का उपहार है बोले और कुछ है ले आओ। महाप्रभु 200 व्यक्ति का प्रसाद भाई बोले और कुछ होते ले आओ हैं और कुछ ले आओ। तब इतने भक्त लोग ने कर्पूर और तांबुल उन्होंने दिया है
महाप्रभु ने खाने के बाद तांबुल खाते ना पान की बिड़िया, इसलिए उन्होंने पान की बिड़िया और कर्पूर खाए। इतने में महाप्रभु ने बोले कोई चिंता मत करो, क्योंकि पाखंडी लोग उल्टा पुल्टा बोलते थे जब कीर्तन करते थे, महाप्रभु बोले कोई चिंता मत करो, खूब जी भर कर कीर्तन करो, बोले बर मांगो, क्या किसको क्या चीज चाहिए बर मांगो है। जब महाप्रभु ने बोले बर मांगो, इतने में भक्त लोगों ने बोले प्रभु केवल आपके चरण की भक्ति और केवल प्रेम ही हमें दो, हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं, केवल आपकी सेवा भक्ति दो। इतने में महाप्रभु ये बोल करके ना सबका आशीर्वाद देकर महाप्रभु वहीं पर बेहोश होकर गिरे। ऐसे महाप्रभु बेहोश होकर गिरे, ऐसे लग रहा था मानो महाप्रभु ने अपना शरीर ही छोड़ दिया, ऐसे लग रहा था। इसको देख करके भक्त लोग डर गए, बोले हे भगवान क्या सचमुच से महाप्रभु ये शरीर ही छोड़ दिया, फिर महाप्रभु के बगैर हम कैसे जिएंगे। भक्त लोग तो इतने डर गए, हे प्रभु आपका विरह में हम प्राण नहीं धारण कर सकते हैं, आपका विरह में हम भी प्राण त्याग दे। जैसे ब्रजवासियों ने कृष्ण को जब कालिया नाग पकड़ लिया, ब्रजवासी क्या बोल रहे थे, कृष्ण विरह में हम भी प्राण त्याग दे देंगे। भक्त लोग बोले प्रभु हम भी जीवन धारण करना नहीं चाहते, हम भी ये शरीर त्याग देना चाहते। भगवान भक्तों का दुख तो भगवान देख नहीं सकते हैं, हाँ देख नहीं सकते। इतने में महाप्रभु का पुण्य बाह्य ज्ञान आया, जब बाह्य ज्ञान आए भक्त लोग देख रहे बड़े खुश हो गए और सबके सब निताई गौर प्रेमानंदे हरि, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्रीमन नित्यानंद प्रभु की। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं ऐ मत आनंद है नब दीप पोरे प्रेम रसे वैकुंठ नायक बिहारे, ऐ मत आनंद है नब दीप पोरे प्रेम रसे वैकुंठ नायक बिहारे, ऐसा काल पुण्य कथा जे करे सवाना, भक्त संत गौर चंद्र अवतार माना। इसलिए यहाँ कह रहे हैं यही मत आनंद है नवद्वीप पूरे, ऐसे महाप्रभु नवद्वीप में आनंद करते थे। इसलिए प्रेम रसे वैकुंठ नायक बिहारे है, जो वैकुंठ नाथ जो भगवान प्रेम रस में बिहार कहते हैं, बोले ऐसा कल पुण्य कथा जिकर श्रवण, इस सब कथा को जो प्रेम पूर्वक श्रवण करते हैं भक्त संग तार, हाँ भक्त संग गौरव चंद्र अवतार मान, इस सब कथा को जो सुनते हैं कहते उनका जो मन है श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण में उनका शरीर में रहते हैं। इसलिए एक दिन श्रीमान चैतन्य महाप्रभु बोले सात प्रहरिया भाव है, एक दिन उन्होंने विष्णु की खटा में बैठ करके उन्होंने बोले सात प्रहर कितना होता है, सात तरीक 21 होता है ना, इसलिए 21 घंटा तक महाप्रभु है उन्होंने खटिया को बोले बैठ करके उन्होंने अपना दिव्य उन्होंने रूप को उन्होंने दर्शन कराया, सारे भक्तों को उन्होंने दर्शन कराया और दर्शन करा करके महाप्रभु बोलो बोले तुम लोग सबके सब मेरे स्तुति करो। ऐसे लग रहा था ये सख्यात वैकुंठ गोलोक का वृंदावन यहाँ पर प्रकट हो गया सबके सब। इसलिए महाप्रभु ने बोले तुम लोग सबके सब मेरे अभिषेक का भजन गाओ। इतने में गंगा पानी में कर्पूर चंदन दे करके नित्यानंद अद्वैत श्रीवास जितने लोग थे सबके सब उन्होंने महाप्रभु का अभिषेक कर रहे थे यार। अभिषेक करते करते वहां कह रहे हैं बोले देवता सकल धरी नरेर आकृति गुप्त अभिषेक करे जय है सुकृति। यहाँ पर कह रहे केवल नित्यानंद महाप्रभु भक्त लोग कर रहे थे ऐसे नहीं, कहते सारे देवता लोग भी कहते वो सबके सब नराकृति इंसान का रूप धारण करते हुए कहते गुप्त रूप में महाप्रभु सबके सब अभिषेक कर रहे थे। तो यहाँ पर कह रहे हैं बोले देखो जिनकी चरण में एक बूंद अगर कोई जल दे दिया ना, भगवान के सर में हो चरण में हो एक बूंद अगर कोई चरण में उनको पानी दे जल दे दिया कहते उनको कभी जवन दंड भोगना नहीं पड़ेगा, कभी जवन दंड भोगना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं
लेकिन आज साक्षात रूप में श्रीमन महाप्रभु की साक्षात रूप में अभिषेक कर रहे हैं, हैं? इसलिए ये कोई साधारण भाग्य है। इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार सदस्यो धाम सहवत। इसलिए महाप्रभु अपना धाम परिकरों को लेकर के महाप्रभु यहाँ पर आए। तो उसी समय में श्रीवास घर में एक नौकरानी थी, हैं? वो क्या करती थी, जब महाप्रभु नृत्य कीर्तन करते थे, इसका ये काम था, गंगा से घड़ा में पानी ला ला करके भरती थी। महाप्रभु कीर्तन के बाद में जैसे पसीना शरीर से निकलती है, हैं? उसमें क्या होता है, फिर हम लोग उसमें स्नान करते हैं। महाप्रभु स्नान के लिए उसका यही काम था, रोज रोज घड़ा में पानी भर करके लाती थी। महाप्रभु ने बोले ये कौन है, बोले इसका नाम दुखी है। क्या नाम है, बोले दुखी है? इसका नाम दुखी कभी हो सकता है, जो भगवान जिसे पानी में यानी कि चरण में एक बूंद पानी देने पर क्या हो जाता है। इसलिए कहते हैं ना, जिसको दर्शन करने के लिए ब्रह्मा शंभु अमरपति गणेशार चित पद, जिनकी चरण कमल ब्रह्मा शंकर नारद लक्ष्मी सेवा करती हैं, और जब ब्रह्म वरुणेन्द्र थे रुद्र मरुतई स्तुन्नति दिवै स्तुतई वेद सांग क्रम उपनिषदि गायति जत सामगा। इसलिए जिनको वेद वेदांत उपनिषद ऋषि मुनि जिनको ध्यान को द्वारा जिनकी चरण कमल की यद्यपि समाधि सुविधि पश्यति न तव नखाग्र परिचि। ब्रह्मा जैसे व्यक्ति जिनकी चरण की नख की छटा तक भी दर्शन नहीं कर पाते हैं, हाँ, समाधि में, लेकिन आज वो भगवान स्नान करेंगे उनके लिए पानी को ही ला रही हैं, उसका नाम कभी दुखी हो सकता है। इसलिए महाप्रभु बोले दुखी नहीं, आज से इसका नाम सुखी, इसका नाम आज से सुखी हो गया। महाप्रभु स्वयं नाम रखा, आज इसका नाम सुखी हो गया। इसलिए तुम लोग सब के सब पुरुष सूक्त मंत्र को द्वारा ओम सहस्र श्री सा पुरुष सहस्राख सहस्रपाद सा भूमि विश्वत कृत्वा अत्यतिष्ठ दशाकुलम। इसलिए हमारी गुरु जी के मठ में ना, ये जो जैसे सालग्राम जो पूजा होता है ना, हमारे गुरु जी के मठ में रोज ये पुरुष सूक्त मंत्र से ठाकुर को अभिषेक होता है। इसलिए जो ठाकुर जी को अभिषेक करते हैं ना रोज, उसमें शायद सोलह होगा ना, उसमें जैसे 16 उपचार है, खुदारा ठाकुर की सेवा होता है हमारे गुरु जी के मंत्र रोज इसी मंत्र से। इसलिए जो अर्चन करते हैं वो ये पुरुषोत्तम मंत्र, जो 16 पुरुषोत्तम मंत्र को वो याद करते हैं, और ठाकुर जी का जब सेवा करते समय ये पुरुषोत्तम मंत्र पढ़ करके ठाकुर जी की हैं, ये ठाकुर जी को अभिषेक करते हैं। इसलिए महाप्रभु को उन्होंने पुरुषोत्तम मंत्र को द्वारा महाप्रभु की अभिषेक कर रहे थे। महाप्रभु को नया वस्त्र धारण करवाया, महाप्रभु खटिया के ऊपर खट्टे के ऊपर बसे, श्री नित्यानंद प्रभु सर के ऊपर उन्होंने छत्र धारण किया, कोई चामर व्यंजन कर रहे थे, कोई पूजा कर रहे थे, कोई चरण में अर्घ आचमन्य गंध धूप दीप प्रदीप नैवेद्य वस्त्र, जैसे ठाकुर जी को 16 उपचार में ठाकुर को जैसे सेवा पूजा करते हैं, यज्ञ सूत्र वस्त्र अलंकार है, 16 उपचार में ठाकुर जी के चरण में तुलसी दे करके सबके सब प्रणाम कर रहे थे। बोले प्रणाम समय क्या बोल रहे थे, बोले जय 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 सर्व जगत रनाथ तप्त जगत रे कर शुभ दृष्टिपात। महाप्रभु को स्तुति कर रहे हैं, हे महाप्रभु हे नाथ, अब क्या करो, जगत में जितने जीव है सब जीव को ऊपर में आप शुभ दृष्टि करो, है सबके सब शुभ दृष्टि करो। इसलिए अपना समर्थ के अनुरूप श्रीमन महाप्रभु को कस्तूरी कुकुम कर्पूर चंपक मल्लिका कुंद कंदम ये जितने पुष्प है सबके सब महाप्रभु का चरण में पुष्पांजलि दे रहे थे, हैं? इसलिए कोई खीर खिला रहे थे, कोई महाप्रभु का मक्खन खिला रहे थे, कोई नारियल खिला रहे थे, सबके सब महाप्रभु को प्रदान कर रहे थे। बोले सहस्र सहस दधि खीर मुग्ध सहस्र सहस कांदी कला मुग्ध। इसलिए महाप्रभु को क्या खिला रहे थे, दही दूध दुग्ध और सहस्र सहस्र कांदी कला, कांदी माने बड़ा बड़ा जो कांदी होता है ना, कहते हजार हजार महाप्रभु सब का सब ग्रहण कर रहे थे। माने आज महाप्रभु जगन्नाथ जैसे मंदिर में बैठी करके एक साथ में इतना भोजन कर रहे हैं ना, महाप्रभु आज जो भक्तों जो कुछ दे रहे थे
महाप्रभु सब कुछ ग्रहण कर रहे थे और महाप्रभु सभी की वस्तु ग्रहण करते हुए महाप्रभु इनकी जन्म कर्म क्या क्या जन्म कर्म है, पूर्व पूर्व में इनका जन्म क्या कर्म क्या, कैसे कैसे कौन सा भक्तों के ऊपर में कब कैसे विपत्ति पड़ा और महाप्रभु को कैसे उन लोगों ने पुकारा और महाप्रभु उनको किस रूप में रखा किया, यहाँ पर महाप्रभु एक एक भक्तों का कथा सुनाएंगे। हम इसको कल सुनेंगे, बहुत अच्छी कथा है। इसलिए कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, बोले द्रौपदी जैसे तुम बुलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं, बोले सबरी की जैसे तुम खिलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं, बोले मैया जसोदा जैसे तुम सुलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं, बोले ब्रज गोपियां जैसे तुम नचाते नहीं। कल हम सुनेंगे महाप्रभु कैसे एक एक भक्तों का जीवन को कितने अच्छे तरह से बताए, कैसे भक्तों को फिर विपत्ति पड़ी और महाप्रभु कैसे उनको रखा किया। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले सपरिकर महाप्रभु की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे Hare Hare।
जवाब भक्ति विदान श्रीधर महाराज की जय।